माई सेल्फ सौमेंद्र शर्मा एंड आवर एक्सरसाइज इज 6.1। क्लियर है? वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्लियर है? नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई में बेटा प्लस 3 cos 60 tan 45 ये मल्टीप्लाई में इक्वल प्रूफ करना है हमको 2 sec² 45 माइनस के cos 90। ठीक है? नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 है तो क्वेश्चन एज इट इज राइट कर दिया। तो हमने LHS पार्ट ले लिया, तो LHS पार्ट क्या है 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos² 60 और tan 45। ठीक है? वैल्यू पुट की बेटा 4 का तो 4 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। ठीक है? नहीं है देखो आपको सामने इंच दे रखी है सारी वैल्यूज, ये साइन 30 की, ये साइन 60 की, ठीक है, ये साइन 60 की और ये साइन सॉरी टेन 45 की। ठीक है? नहीं है क्लियर है? तो बस 4 का तो 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1/2 का 1/2। ठीक है? नहीं बेटा इसमें देखो ध्यान से बेटा, ठीक है ध्यान से देखो इधर इस वाली सॉरी इस वाली वैल्यू है इधर तो 4 का तो 4 है 1/2 का 1/2 लिख दिया। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है? नहीं है तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा नहीं आएगा बेटा? ठीक है? नहीं तो 3 राइट कर दिया और 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 है इसका स्क्वायर भी होगा तो कितना आएगा बेटा 4 प्लस और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई 1/2 से तो 1/2 उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3/2। देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बेटा 3/2 ये भी 3/2 दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 2 तो क्या आएगा 3 + 3 कितना आ गया बेटा 6 6/2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3। इसी तरह अब LHS कंप्लीट हो गया अब RHS लेंगे तो RHS क्या है 2 sec² 45 माइनस के cos² 90। ठीक है? 2 का तो 2 लिख दिया sec 45 की वैल्यू क्या √2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा √2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? ठीक है? हाँ तो बेटा तो √2 का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर sec 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा √2 माइनस cos 90 की cosec 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 तो इसका भी स्क्वायर 2 का तो 2 देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2 अभी बताया था वो √2 वाली वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 रिमूव हो जाता है वैल्यू आ जाती है माइनस का माइनस 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 4 माइनस 1 कितने आ गए बेटा 3 LHS में 3 RHS में 3 तो LHS इक्वल टू क्या होगा बेटा RHS। क्वेश्चन नंबर 15 है cosec² 45 sec² 30 साइन की पावर 390 और cos 60 4/5 के इक्वल आना है तो सबसे पहले LHS राइट कर दिया तो cosec 45 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर। सबसे पहले बेटा आपको टेबल याद होनी चाहिए बस ये पूरी एक्सरसाइज टेबल पर बेस है। ठीक है? नहीं है और नेक्स्ट आने वाली जो 7th एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी पर बेस है। ठीक है? नहीं तो आपको बस टेबल याद करनी है √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है? देखो √2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर दे रखा sec² 30 है बेटा। ठीक है? नहीं है sec² देखो sec² क्या है बेटा 30 sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 का क्यूब और कॉस 60 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 √2 कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर बेटा 3 1 का क्यूब क्या था 1 और 1/2 2 से 2 क्या कर दिया बेटा कैंसिल तो क्या बच गया 4/3 ये हमको क्या करना था बेटा प्रूफ करना था। ठीक है बेटा गड़बड़ है ये 4/5 है ये 4/5 है 4/3 है बेटा सॉरी क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ठीक है ना 15th क्वेश्चन 4/3 है। ठीक है बेटा देखो और यहाँ अपन ने 4/5 कर दिया तो इसको थोड़ा सा राइट कर लेना सही। ठीक है ना ये क्या है 4/3 है। ठीक है ना ये हमारे आंसर आ रहे हैं देखो बेटा आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है बेटा क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 बेटा ध्यान से समझो 16 है बेटा साइन 60 देखो हमारे पास बेटा हमारे पास क्वेश्चन है साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है ये LHS है और RHS क्या है RHS है टेन 60 प्लस टेन 45 टेन 60 माइनस टेन 45 तो LHS नोट कर दिया साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है ना तो हमको साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 होती है बेटा और साइन 30 1/2 इसी तरह सेम एज इट इज़ साइन 60 की वैल्यू भी यही होगी बेटा √3/2। ठीक है नहीं है ठीक है मैं इसी को क्वेश्चन को कर रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना। ठीक है यहाँ पर ही देखो यहाँ पर वैल्यू चल रही है। ठीक है नहीं है क्लियर है?
ठीक है। तो इधर देखो बेटा साइन 60 की थी, ठीक है नहीं। इधर देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन ये था साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। इसी तरह साइन 60 की अंडर रूट 3 अपॉन 2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 अपॉन 2। एलसीएम आ रहा था अपन न्यूमिनेटर में 2, तो क्या आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2, 2 से 2 क्या होगा बेटा कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा। यहाँ पर देखना बेटा ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अंडर रूट 3.2। यहाँ तक ही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नहीं है आगे वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यदि बाई चांस कभी अंडर रूट वाली वैल्यू रह जाती है डिनोमिनेटर में तो आप इसको क्या करते हो, रेशनलाइज। क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट इज राइट करते हैं, बस उसका सिंबल क्या कर देते हैं चेंज। तो ऊपर वाली राइट करेंगे तो क्या आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है दोनों का होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी ए पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू अंडर रूट 3 और बी की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो सॉल्व किया है बेटा, ठीक ठीक है। लेकिन हमारे आंसर यहीं पर आ चुके हैं बेटा, है ना, यहीं पर हमारे क्या आ चुके हैं बेटा आंसर, हमारा आंसर है जो यहीं पर आ चुका है, ठीक है। पर आगे भी हमको सॉल्व करना है, तो देखो चेक करते हैं। आर एच एस हमारा क्या दे रखा था बेटा, 1060 प्लस 1045 अपॉन 1060 माइनस 1045। ये दे रखा है 1060 की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3 प्लस और 1045 की वैल्यू 1, और इसकी 1060 की वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। दोनों सेम सेम नहीं है बेटा, ठीक है। ये तो रेशनलाइज किया है अपन ने, ये तो हमने क्या किया है, इधर देखो बेटा इसको तो हमने क्या किया बेटा, रेशनलाइज किया। इसको एक मिनट के लिए बोल रहा हूँ, तो यही वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसमें भी आ रही नहीं आ रही, इसमें ही आ रही है, ठीक है नहीं, और इसमें भी यही आ रही है, आ रही नहीं आ रही, दोनों में सेम देख लो, देख लो सेम आ रही है ना बेटा, ठीक है नहीं। तो दोनों के अंदर वैल्यू हमारी क्या आ रही है बेटा सेम, सॉरी एक मिनट, हाँ दोनों के अंदर वैल्यू क्या आ रही है हमारी सेम, देखो बेटा दोनों के अंदर इसमें और इसमें वैल्यू क्या आ रही है बेटा सेम आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही है। तो बस तुम्हारा एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया बेटा आर एच एस, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस के टेन स्क्वायर 60 माइनस के 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस के टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है। तो एल एच एस वही 2 का तो 2, कॉस 45 की वैल्यू कहती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, वैल्यू पुट करनी है साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6 का 6 साइन स्क्वायर 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 और टेन 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू कहती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। सर अंडर रूट वाली वैल्यू है तो सब पे से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है ना, माइनस का माइनस 6 1 अपॉन अंडर रूट 2 का क्या हो गया अंडर रूट 2 का क्या होगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 3 का क्या होगा 1 अपॉन 3। एलसीएम लिया है बेटा, देखो देखो एलसीएम लेके इसको क्या किया बेटा सॉल्व, और बाकी 2 से 2 क्या कर दिया बेटा कैंसिल, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ 7, ठीक है नहीं बेटा। हमने बस एलसीएम लेके क्या किया बेटा सॉल्व। तो आज के लिए इतना बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।